वेलकम बैक ब्रेक के बाद आपके साथ हैं जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया था कि हम गुफ्तू करेंगे मुआरे में अदम बर्दाश्त का जो बढ़ता रुझान है वो क्यों है मुआरे में अदब आदाब कम होता जा रहा है शर्म हया कम होती जा रही है एक दूसरे का लिहाज खत्म होता जा रहा है सब्र तहमुल ख़त्म होता जा रहा है एक दूसरे की बात ना बर्दाश्त करने का जो रवैया हमने अपना लिया है ये सब अदम बर्दाश्त के ज़ुमरे में आता है ऐसा क्यों है और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं इस पर गुफ्तु करेंगे मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोस में राना शफीक ख़ान पस्तूरी साहब जो कि मुसनफ़ हैं कॉलम नगार हैं हमारे सीनियर साथी भी हैं इनको वार्म वेलकम करेंगे सर असल वालेकाम वरह कैसे हैं सर आप खरीद से हैं आपकी दुआएँ जजाकल्ला सर अच्छा सर मामला कुछ यूँ है कि जब हम माशरे में आदम बर्दाश्त के हवाले से बात करते हैं तो रोज़ाना ही ये मामला नज़र आते हैं आप या मैं हम सड़क पे जा रहे हैं हम ऑफिस में हैं हम अपने दोस्तों में हैं हम अपने कलीग्स में हैं हम अपने अजीज़ वकारब में हैं बर्दाश्त हर तरफ नज़र आता है सबसे पहले तो सर ये बताइए कि ये आदम बर्दाश्त हम में क्यों बढ़ता जा रहा है इसकी रीज़न क्या है फिर आगे बढ़ते हैं हाँ। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका और आपके तवस से पेगाम टी वी का वेलकम सर दूसरी बात ये है कि बड़ा हसास मौ है और ज़रूरत है कि सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि प्रोग्रामों पर प्रोग्राम इस पर होते रहे और जितना मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है इसकी तरह तोजह देने की बहुत ज़्यादा जरूरत इसलिए कि इंसान जो है वो सोशल एनिमल है यानी एक ऐसे अपना वजूद रखता है कि जो अकेले नहीं रह सकता ज़रूरी है कि वो मुशरे के अंदर रहे और माशरे में तभी रह सकेगा कि जब वो दूसरों को भी हक़ देगा और ख़ुद भी हक़ उसको मिलेगा जी।, जी को जी होती है और मुशरा बनता ही अपना जो है कई नफूस पर मुआर बनता है फ़र्ज वाद ने और इस्लाम ने तो बकायदा जो है ना रुबानियत से मना किया है कि रुबानियत की तरफ नहीं जाना रुबानियत यही है कि माशरे को छोड़ कर कस्बात व देहात से अलग होकर महल्लों से अलग होकर ख़ानदानों से अलग होकर घरानों से अलग होकर आदमी जा के जंगल में पड़ रहे तन तनहा भाई उसके आने का फ़ायदा क्या है देखें अल्लाह रब्ज़त ने इंसान को अंडे से तो पैदा नहीं किया माँ बाप से पैदा किया ना तो इसका मतलब कि माँ बाप के वजूद का वो हिस्सा है और इसी तरह रहम का जो मामला है यानी माँ के वतन से जितने लोग पैदा हुए हैं वो आपके वजूद का हिस्सा हैं और सिला रहम यही है ना कि दूसरों का ख्याल रखो असल चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो तालीम है और तरबियत है उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है पहले माएँ होती थी जो बच्चे की तरबियत करती थीं और फिर तालीम होती थी पहले तरबियत होती थी फिर तालीम होती थी और तालीम के अंदर भी ऐसी इसबाक रखे जाते थे ऐसे दर्श होते थे जिनके ज़रिए से उसके अखलाकियात की जो है बुनियाद मुस्कम हो अखलाकियात की पालिश हो सके अखलाकियात बेहतर हो सके अखलाक बेहतर हो आज जो तालीम है हम देखते हैं वो इंसान को मशीन बनाते हैं इंसान नहीं बनाते वो सिर्फ कमाने का एक तरीका बताएँगे और ज़्यादा लोग जो है ना वो अपना वो डिग्रियाँ या वो तालीम हासिल करते हैं जिसके ज़रिए से वो समझते हैं कि हमें आमदन मिलेगी हमारे अपना बैंक बैलेंस में इजाफ़ा होगा असैशिंग होगी अखलाकियात का दर्श देने वाले इसबाक आज नसाब में मौजूद नहीं पहले होता था मसलन पहले से मरात ये है कि हमने खुद पढ़ा हुआ है कि हर एक स्टेज पर हर एक क्लास के अंदर एक दो कहानियाँ पहले लोगों के वाकयात ऐसे होते थे कि जो असर अंदाज होते थे फिर लोग पूछते थे बकायदा स्कूलों के अंदर क्लासों के अंदर पूछा जाता था आपका आइडियल कौन है तो आइडियल जो है वो इसी तौर पर पूछा जाता था ना कि लोग उससे मुतासर होंगे उसके किरदार के ज़रिए से और किरदार जितने बड़े बने हैं तने तनहा नहीं बन गए वो लोगों को साथ मिलाकर बने हैं और लोगों को साथ मिलाना जो है ये ही है माशरे के अंदर अपने आप को दाखिल करना मुआरे को समझना और मुआरे का हिस्सा बनना तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बर्दाश्त करें आपकी हर बात नहीं मानी जा सकती अगर आप किसी की बात हर बात नहीं ना मानने को तैयार होते तो कोई भी आपकी हर बात माने और फिर कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम बात कर रहे हों वो बिल्कुल सही हो और ये भी कोई लाजिम नहीं है और बल्कि है ही नहीं कि हर एक फर्द जो है वो उसको अकल कुल मिल गई हो तो मुशावरत का जो हुक्म है वो यही है ना कि लोगों से अपना मशवरा लिया जाए लोगों के ज़रिए से जो अपनी कमियाँ हैं कोताियाँ हैं उनको दूर किया जा सके अपनी खामियों को दूर किया जा सके नीचे से ले लेकर ऊपर लेकिन बात फिर वही आएगी कि तरबियत जो है ना वो बहुत ज़रूरी है सर आपने बड़ी ख़ूबसूरत बात की है कि पहले बाकायदा तालीम के निसाब में शामिल किया जाता था कि तरबियत हो ऐसी मिसालें सामने रखी जाएँ कि आप में बर्दाश्त पैदा हो आप अतदाल की बात की म्याा रवि की बात की तो मैं इसी को भी क्वेश्चन बनाऊंगा कि हम इस्लाम में सब्रहल्ल तो और अतदाल का सबक देखते हैं बार बार इसकी तल्कन भी की गई है इसकी अहमियत पर जोर दिया गया जो हमारे रवैये हैं जो सबर के हवाले से हैं हैंतदाल के हवाले से इन रवैयों के हवाले से हमें क्या तलीमत मिलती हैं असल में जहतें इतनी हैं जी कि अगर एक एक जहत पर गुफ्तु की जाए तो बात कहीं की कहीं जा पहुँचती है अब देखिए सबर का जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि सबर का ताल्लुक जो है ना सिर्फ मौत के साथ है कि कोई मर गया है तो उसके मरने पे सबर किया नहीं सबर का ताल्लुक जो है पूरी ज़िंदगी में है ब्यूटीफुल यस समझ हर एक मरहले पे है जी अब आप सवाल कर रहे हैं मैं सबर ही ना करूं और आपके सवाल के दरम्यान में कूद पड़ूँ मुझे पता ही नहीं कि आपने पूछना क्या है जी समझ नहीं यहाँ भी सबर का मुजारा जरूरी है मैं बात कर रहा हूँ तो आप सबर के साथ सुन रहे हैं ये सबर और जबर दो चीज़ें हैं जी इसी तरह अगर हम रोड पर चल रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं तो अपना ज़रूरी नहीं है कि आगे अगर थोड़ी सी गाड़ी रुकी है तो हम हारन पे हारन देना शुरू कर दें या थोड़ा सा आगे करके तो सके वेखता नहीं तेन चलन यानी सबर करें देखें कि वो अगले का मामला क्या है बाज़ ये होता है कि हमारे यहाँ तो ये रूटीन चल पड़ी है ना कि मोबाइल पर लगे हुए हैं उन्हें ये पता ही नहीं कि पीछे भी कोई है कि नहीं exactly, है एक्जैक्टली exactly. एक्जैक्टली दूसरों के हकूमार जी अब ऐसे में अगर आप सब्र का मुजहरा नहीं करेंगे तो झगड़ा होगा ना एक सेकेंड में आप आगे गुजर सकते थे लेकिन एक सेकंड में इस अंदाज से अगर आप आगे गुजरेंगे फिर झगड़ा हो जाए तो वो एक सेकंड आप बचाते बचाते तीन घंटे झगड़े में लगा देंगे और बाद अकात झगड़ा अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा थाने कचहरी तक बात गई कितने दिन कितने महीने कितने साल लग स्कूल पकड़ हैं। जाती है जेलें भी हो सकती हैं जी इसलिए सब्र का मुजहारा वहाँ भी ज़रूरी है इसी तरह आप बैंक में जाते हैं या किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ एक लाइन लगी हुई है तो आप लाइन में खड़े हों सब्र का मुजारा करें अगर आप लाइन तोड़ेंगे वहाँ जाएंगे तो वहाँ तो भी झगड़े करें तो सब्र हर एक मरहले पर है इसी तरह तालीम हासिल करते है एक आदमी बच्चा स्कूल में दाखिल होगा तो क्लास वाइज जो है ऊपर जाएगा कॉलेज के अंदर जाएगा तो क्लास वाइज है या सेमेस्टर वाइज है एक फर्द अगर ये कि मैं सबर नहीं कर सकता मैं तो डायरेक्ट जाकर डिग्री हासिल कर लूँगा जिंदगी का कोई मरला ऐसा नहीं जहाँ सबर ना सबर के जरिए से आपको वो कुछ मिल जाएगा जो हमेशा है जो दायमी है और सबर ना करने की वजह से जो मिलना था वो भी आपसे छिन जाएगा या आपसे अलग हो जाएगा तो सबर का मज़ाहरा जो बहुत ज़रूरी है इसी तरह सबर का जो है ना दूसरे की राय को कबूल करना ये सबर बाद में आता है उस वक्त आता है जब आपकी राय रद्द करके किसी और की राय जो है ना उसको हावी का बड़ी खूबसूरत बात आपने की ये दो मुख्तलिफ चीजें एक तो सबर करना पेशेंस होना और फिर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भी एक्सेप्ट करें ये भी खूबसूरत चीज़ है देखें इस्लाम ने हुक्म दिया है मुशावरत का रसूल पाक सल्ला मशवरों की ज़रूरत नहीं थी इसलिए कि आपके ऊपर जो भी रहनमाई का सामान आता था या रहनमाई के मुआ था वो सारा वही के जरिए आता था ना उस उसका तो जो कुछ फरमाते थे वही के ज़रिए फरमाते थे अल्लाह वही के लेकिन आपने हुक्म दिया और आपको भी हुक्म दिया गया शाविर हम फिल्म व अम्र हम शराब हूँ मुशावरत मुशावरत का हुक्म ही इसलिए है कि कोई आदमी जो है वो तन तन कुछ भी नहीं है ना उसके पास सारी की सारी असलाहत हैं ना वो ऐसा मसले है कि अपनी अकल के जरिए से असलाहत कर ले तो जरूरत होती है दूसरे के मुशावरत की अपने आप को अकले कुल ना समझे अकले कुल ना समझे नहीं जरूरत होती जरूरत है जरूरत भी है जी बिल्कुल जरूरत होती है बाकायदा ये एक फ़ितरती चीज़ है दूसरों की राय को लेना लेना यस इस चीज़ का इनकार करने वाला इंसान जो है वह इंसान नहीं जी मैं अपनी असलाह के लिए देखें घर में हम बैठे हो ना तो कपड़े पहनते हुए हम पूछते हैं कि कैसा लग रहे हैं ऐ पाला के ना पावा ऐ पावा होता है कि नहीं मशवरा होता है ना ये राय लेना है ना दूसरों का इसी तरह खाने के दौरान में होता है कि आज क्या पकना चाहिए फला चीज़ पकनी चाहिए फला नहीं पकनी चाहिए कोई आदमी जो है मुशावरत के बगैर तो मशवरा लेगा तो राय कबूल करेगा तो ये राय का कबूल करना जो है ये अपने लिए भी फायदेमंद है अपनी ज़िंदगी में निखार पैदा होगा अपनी किरदार में निखार पैदा होगा गुफ्तार में निखार जो आदमी बड़े से बड़ा शायर हो वो बैदा राय लेते हैं अदीब हो वो राय लेगा, खतीब है अब मैंने बड़े बड़े खुतबा के साथ बैठा हूँ तो खुतबे के बाद ना तकरीर के बाद हा, हालांकि पूरा मजमा जो है उनके खताबत के शहर में जखड़ा जा बार में पूछ कैसी रही है तकरीर एक आदमी की अंदर से भी ख्वाहिश होती है एक जो तख्लीकार है उसको भी राय की ज़रूरत पड़ती है बाज़ तखलीक बनाते हुए और बाज उसके बाद जी तो राय का कबूल करना ये इंसान के हसन अखलाक में से भी है उसकी अपनी बेहतरी के लिए भी अब कोई आदमी राय देता है आपको अब ये दूसरा मरला है जी राय देता है आपको और आपकी राय और आपके जहन या आपके जो आपने एक तय किया हुआ है उससे हटकर है वो तो आप परखें ज़रूरी नहीं कि आप उसके साथ उलझना शुरू कर दें और जो आदमी राय दे रहा है उसके लिए भी कुछ अदाब और कवायद हैं बस देखें अल्लाहबलत के प्यारे रसूल बड़ा बेहतरीन का है अलमोमिनमोमिन ये है बेहतरीन अदब आदाब के लिए फिक्र अलमिन उमिरतुलमोमिन मोमिन मोमिन का आईना होता है आईना क्या करता है अच्छ दिखाता है आपको आयना बताता है कि आपके चेहरे के किस हिस्से पर दाग लगा हुआ है आइना दिखाता है कि आप किस तरह खूबसूरत बन सकते हैं आईने को देख के आप अपनी खूबसूरती में इजाफा करते हैं लेकिन दूसरी तरफ कभी यह नहीं होता कि आईने ने पहले मुक्का मारा हो पहले गाली दी हो बुरे लफ्जों के साथ बताया आसन तरीके करता। से बताता है और इस आसन तरीके से आपको दिखाता है आपका चेहरा और आपके चेहरे के दाग कि आप बार बार उसकी तरफ जाते हैं तो जो आदमी राय देने वाला है जो इसलाह करने वाला है उसको ऐसा किरदार अदा करना चाहिए आईने की तरह कि लोग उस बार बार उसके पास आए हाँ भाई तूने ये बात बताई थी बड़ी इससे मुझे फ़ायदा पहुँचा और 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 दूसरा ये है कि तरीक़े हैं अदा मसला क्लास है एक उसमें किसी फ़र्द के तो आप उस्ताद के ज़रिए कर सकते हैं जी। अब उस्ताद के लिए लाजम है कि बग़ैर नाम ले वो कह रहे कि जी ये ये चीज़ें जो है ना ये आय हैं ये नहीं होनी चाहिए मसला हजरत हज़रत हसन रजी अल्ला तजरत हुसैन रजी अल्लाह तुम इनके बारे में एक वाकया बताया जाता है कि ये आ, इन्होंने देखा कि एक बड़ी उम्र के साहिब हैं और वज़ू उनसे सही नहीं हो रहा तो उन्होंने बजाए इसके जाके जा दे ओ, तेनों तो ते वज़ू करना नहीं आया इन्नी वही उम्र होगी है तू है फलानी आ जाते ने लोग जिस तरह हमारा रवैया आज क्या आ जाते ने लोग मसीतें वज़ू करता नहीं इस तरह ने उन्होंने जाके ना एक ने भाई ने दूसरे से कहा कि भाई मुझे वज़ू करना नहीं आता जरा वज़ू करना सिखाओगे उनके सामने ताकि उनको समझ लग सके ब्यूटीफुल अच्छा उनके सामने जब वज़ू किया तो वो समझ गए समझ गए कि ये इसलाह थी इसी तरह एक मौके पर यह भी हुआ कि किसी की हवा खारिज हो गई हवा खारिज के मराहल होते हैं आपको पता है आवाज़ जरा ज़्यादा आ गई तो कोई उठा भी नहीं इसलिए कि कोई ये ना समझे कि माशरती तौर पर इसकी तजी को हाँ तो उन्होंने कहा कि लगता है कि चलें ऐसा करते हैं सारे वजू कर लेते हैं ये आसन अंदाज होता है दूसरों का दूसरा मरला आता है कि आप किसी ऐसे फ़र्द के ज़रिए से अगले बंदे की असलाह करवाएँ कि जिसका वो अहतराम करता है वो अच्छे तरीके से उसको बुला के बताएगा मराहल है मुख्तलफ ठीक है सर जैसे आप फरमा रहे हैं बड़ा खूबसूरत तरीका जो आपने बताया कि अगर किसी को कोई चीज़ बतानी है तो पॉइंट आउट ना करें उसकी तजीक ना करें या अगर कुछ लोग मौजूद हैं तो उसको अपनी बेइज्जती फील ना हो ये भी एक तरीक़ा है सर जब हम अदम बर्दाश्त की बात करें तो जो रवैया है इंसान का दूसरों से अदम बर्दाश्त के हवाले से एक तो दूर करता है दूसरा तजीक आती है नफ़रत आती है इन सारे मामलों में ये जो आदत है ये गुनाहगार भी होता है बंदा इससे इनसे बचा कैसे जा सकता है जैसे भी आपने फ़रमाया कि एक तो प्रोसेस है समझाने का प्रोसेस है किसी की तज़ीक ना हो फिर जो दिलों में नफ़रतें पैदा हो जाती है, कुदूरतें। हैं कुदूरतें जैसे हम आपस में कलीग्स हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की आप बात कर रहे थे मुझे आपकी राय पसंद नहीं है और मैं उस पर अकड़ जाऊँ ये मामला ठीक नहीं है इन आदात को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं देखें अपना जो है ना आदात तो आस्ता आस्ता आती हैं मैं जो अर्ज कर रहा था ना मैं फिर अपनी बात को ज़रा एक और अंदाज से आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूँगा कि हमारे यहाँ इस वक्त रवैया है ना वो बहुत ज़्यादा उजाऊ का शिकार है यानी एहतरामी आदमियत ख़त्म होकरा गया है इंसान का जो इकराम और तकरीम है दुख पहुँचता है रवैयों को देख कर और इसमें ये नहीं कि सिर्फ सियासतदान देखें ना एक कोई आगू है ना कोई किसी कौम का आगू है रहबर है रहनमा है लोग उनको देख के अपनी असला करते हैं जिस तरह का वो पहनावा पहनते हैं उनके मानने वाले फॉलवर्स जो हैं कोशिश करते हैं कि उसी तरह के लिबास पहने उसी तरह के बाल बनाएं रोल में तरह की टोपियाँ पहने उसी तरह के चश्मे लगाएं जी समझें वही अंदाज़ इख्तियार करें गुफ्तु -गु का उसी लहजे के अंदर बात करें महबी जो होते हैं जिन लोगों के फॉलोर्स वो अपने मजहबी रहनुमाओं को देखते हैं सियासी फॉलवर्स जो हैं अपने सियासी रहनुमाओं को देखते हैं इसलिए ये जिम्मेदारी आये होती है सियासतदानों पर इसलिए कि वो कौम की असलाह के जामन होते हैं मसले होते हैं रिफार्मर होते हैं अब उनकी गुफ्तु -गु के अंदर आप देखते हैं मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करेंगे लेकिन ओए तोए करके जब बात करेंगे दूसरों की जब तस्हर करेंगे तो उनके फॉलोर्स भी ये तो से बहुत आगे जा, जा मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ ये सूरत हाल जो है ना मजहबी दुनिया के अंदर भी ये चीज़ आ गई है और बिलखसूस ये जब से आया ना सोशल मीडिया हर आदमी के हाथ में राय की आज़ादी जो है उसका हथियार आ गया है उसकी राय की आजादी का और वो समझते हैं कि हम आज़ाद हैं शतरे बेमहार हैं कोई हमें पूछने वाला नहीं बल्कि हर शख्स तलीम उसकी क्या भी है कुछ भी है लेकिन वो सोशल मीडिया के ऊपर इंद है तो वह अपने आप को समझता है कि मैं अठारहवीं ग्रेड का दानश्वर बन गया हूँ यानी सोशल मीडिया अठारहवीं बल्कि बाईसवें ग्रेड का दानश्वर बन मैं तो अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ सोशल मीडिया के सुकरात बकरात दरस्तु जिनकी अपनी कोई बैकग्राउंड ना एजुकेशन या उस प्रोफेशन के हवाले से अब देखें वो शुरू हो जाते हैं जी पहले आता था रसूल पाक अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमायामसलिमुलसलम ला जलम हु वला यखलो हु वला यख करो कि मुसलमान मुसलमान का भाई है वो उस पर जुल्म नहीं करता उसको तन्हा नहीं छोड़ता उसको जलील नहीं करता उसको हकीर नहीं समझता और आगे अल्लाह के नबी ने इर्शाद फरमाया कि किसी आदमी के बुरा होने के लिए ये काफ़ी है कि वो अपने भाई को हकीर समझे अलमसलिम हराम दम हो व माल हूँ व इर्ज़ हो उसका खून भी हराम है उसका माल भी हराम है उसकी इज़्ज़त भी हराम है ये रसुल ने सिखाया है इसी तरह आपने इर्शाद फरमाया कि मुसलमान वो होता है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे महफूज़ रहें ये मशहूर है मुसलमान की तारीफ जो आदमी अपने आप को मुसलमान कहता है वो इस तारीफ़ में तभी आ सकता है अगर उसके हाथ और ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचती पहले हम समझते थे कि हाथ से तकलीफ़ ये होती है कि किसी को ज़ख्म लगाना किसी को हथर मारना किसी को थप्पड़ मारना किसी को भोसा मारना यही समझते थे ना और हम जुबान से ये समझते थे कि ज़ुबान से तकलीफ़ ये होती है किसी को गाली देना किसी को ताना देना किसी को बुरा लकब जो है उससे याद करना ये समझते लेकिन आज जुबान से ज़्यादा हाथ के साथ लोगों को गालियां दी जाती हैं सोशल मीडिया पे उंगलियाँ चलती हैं हाथ ही चलते हैं जी है बिल्कुल आप टाइप करते हैं समझ रहे अब पहले होता ये था कि आप किसी को ज़ुबानी तौर पे तकलीफ चाहते थे ना और ये अरबी का मुहावरा है कि खंजरों के ज़ख्म जो हैं वो मुंदमल हो जाते हैं ज़ुबान का जख्म जो है मुंदमल नहीं होता नहीं होता समझ अच्छा पहले होता था कि आपने तन्हाई में किसी को गाली दे दी अब आप सोशल मीडिया के ऊपर आपके हज़ारों जो हैं वो फ्रेंड हैं आपके फॉलोअर्स फा, जो हैं वो हज़ारों में हैं बात ऐसे हैं जिनके लाखों में हैं और अगर कोई दूसरा उसके ऊपर कमेंट दे देता है तो आपकी सारी की सारी बहस उसके अपना आईडी पर भी चली जाती है लाइक जो करते हैं लोग आप अपने हाथ के ज़रिए से जो है ना धजिया बखेर देते हैं इज्जतों के परखचे उड़ा देते हैं आप जिस तरह उनके अपना दामन को दागदार करने की कोशिश कर सकते हैं जैसे आप, कितना कभी हैं। काम आप कर रहे हैं जैसे फरमा रहे कोई एथिक्स नहीं रह गए कोई वैल्यूज नहीं रह गए जैसे अभी हम सेगमेंट शुरू होने से पहले गुफ्तु रहे थे शर्मो हया नहीं रह गई कोई अदब आदाब नहीं रह गया अभी आपने फरमाया कि जिस तरह नबी करीम सल वसलम का फरमान है कि मुसलमान अपना यानी उसका भाई उससे महफूज रहे इज्ज़त दागदार ना करे उसको फिजिकली अब्यूज़ ना करे वर्बली अब्यूज़ ना करे सर अभी तो हमारे माशेरे में सब कुछ हो रहा है तो ये सब अदम बर्दाश्त की इतनी मिसालें मौजूद हैं तो फिर हमारे लिए कुछ ये सिर्फ बर्दाश्त नहीं है क्या है सर ये ये अदम बर्दाश्त नहीं है सिर्फ जी ये दर हकीकत तरबियत का ना होना है और दीन से दूरी है पहले पहले लोग कहते थे कि आदमी की गुफ्तु और उसके रवैये बता देते हैं कि इसका खानदान कैसा होगा तरबियत के माँ बाप कैसे होंगे जी समझ आदमी अपने और अपने वालदे की और अपने खानदान की पहचान करवाता है अपनी ज़ुबान के जरिए से और सोशल मीडिया में अपनी आई डी के जरिए से जी वो एक लतीफ़ा लेकिन हकीकत है इसको समझना चाहिए वो कहते हैं कि पहले लोग होते थे ना किसी जगह रिश्ता करते थे तो आके हम साइयों से पूछते थे मोहल्लेदारों से पूछते थे ये लड़का कैसा है क्या अब क्या होता है कि अब जाते हैं ना जा कहते हैं है मुंडा शुंडा छोड़ो वह मोबाइल सानू फड़ाओ मोबाइल से पता चल जाता है कि आदमी क्या है आप आईडी खोल लें किसी की आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी जो है इसके अखलाक क्या हैं इसके अपना गुफ्तु क्या है इसके रवैये क्या हैं और गुफ्तगु और रवैये बताते हैं कि इसके वालदेन क्या होंगे मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें वैसे तो कुरान पाक सारे का सारा जो है वो अखलाकियात की तामीर के लिए और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीध मुबारक जो है वो लाजिम है हर एक तालब को पढ़ने लेकिन कम अज़ कम सूरह हुजरात और सूर्य हजरात की जो इब्तदाई बारह आयात हैं अगर वो निसाब में शामिल कर दी जाएँ स्कूलों के अंदर जो स्कूल के बच्चे हैं उनके जहनी सतह को मद्दनज़र रख के उसके मुताबक हाई स्कूल के दर्जे के अंदर सेकेंडरी दर्जे में जाके उनके जहनी सतह के मुताबिक कॉलेजों के बायदा शामिल कर दी जाएँ तो शायद मुआरे के अंदर कुछ इसलाह आ जाए वरना माशरा जिस तरह हम बढ़ रहा है ना तरबियत पहले है तालीम बाद में है बल्कि रसुल्बा की जो अल्लाहत ने एहसान करार दिया था ना कि मोमिनों की असलाह करते हैं जी। इस मिन यतलु ही। आगे सुनने वाले जी की वायोले हम जी। पहले तज किया है बाद में तालीम है पहले तरबियत है बाद में तालीम तरबियत का जिक्र पहले है वालेन में माँ जो है वो तरबीय सिखाती तर्भीय है तरबीय सिखाती है पहले होता क्या था आप देखें ना मा, मासी का लफज जो है हमारे यहाँ मासी मासी का मतलब मासी मासी बच्चा घर से निकलता था ना तो जो भी उसकी माँ की उम्र की होती थी उसको मासी कहता था जी मोहल्लों के अंदर कोई लड़की मिल जाती उसको बाजी कहता था अगर किसी मोहल्लेदार की बीवी होती उसको भाभी कहता था समझने कोई अपना आदमी मिल जाता उसको चचा कहता था ताया कहता था एहतराम होता था वैल्यूज थिंग समझ और एक बुज़ुर्ग आदमी पूरे मोहल्ले के बच्चे उसे डरा करते थे अब अपने माँ बाप की भी अदब एहतराम नहीं होता माँ बाप की बात जो है वो बर्दाश्त नहीं होती क्यों इसलिए कि उनकी तरबियत अच्छी नहीं की गई उनको तालीम अच्छी नहीं दी गई देखे फ़ारसी का एक शेर है जी के खिश्ते नहद मीमार कच सरैया मे रव दीवार अगर पहली ईंट बुनियाद के अंदर तेरी रख दी जाए वो दीवार आसमान तक भी चली जाए ना तो तेरी की तेरी रहेगी वालिदैन पर सबसे पहली जिम्मेदारी होती है हर बिलखसूस माँ पर कि जब बच्चे की आंखें खुलती हैं तो वो पहचान करवाती है कि ये फलां चीज़ है ये फलां चीज़ है ये फलां चीज़ है ये फलां रिश्ता है ये फलां रिश्ता है ये फलां रिश्ता है इस रिश्ते का अदब ये है इस रिश्ते का तकदस ये है इस रिश्ते का एहतराम ये है माँ सिखाती है ना ये तरबियत का अंदाज़ होता है जी और दूसरा अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि तालीम दूर डब्बे का है तालीम सरकार की बच्चे में खूँ के आएगी माँ बाप के जी बिल्कुल मसलन आज कल तो ठीक है शरी तौर पर गलत नहीं है लेकिन बच्चे जो हैं वो जन्म होते हैं ऑपरेशन के ज़रिए से बाद में गज़ाएँ उनकी जो है, वो सारी की सारी बनावटी शुरू हो जाती हैं माँ की छाती से लगना बच्चे के नसीब में नहीं होता तो जब बच्चे के नसीब में माँ की छाती के साथ लगना ही नहीं माँ का दूध ही उसमें शरायत नहीं करना तो माँ की वजूद की खुशबू के मुँह से कैसे आएगी माँ के अदब एहतराम और तरबियत की अपना शायस्तगी उसके अंदर कहाँ से पैदा होगी आज कहता है कहते हैं डॉक्टर और साइंस ये कहती है कि माँ का दूध बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए भी और ख़ुद माँ के लिए भी माँ फीड करती रहेगी दोनों के लिए है जी लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है फिर ये है कि माएँ जो हैं वो भी नौकरी कर रही हैं बाप भी नौकरी कर रहे हैं बच्चे तो तन का शिकार हैं उसकी वजह से उनके अंदर जो है वो अपना ऐसे रवैये पैदा हो जाते हैं जिनकी वजह से उनके अंदर क्या कहते हैं कि अदम बर्दाश्त है हैदम बर्दाश्त आ जाती है जिच हो जाते हैं वो खनचो उनके अंदर आ जाता है टॉलरेंस नहीं आती समझ रहे हैं अच्छा सर जैसे अभी माशरती रवैयों की हम बात कर रहे हैं तो आपने थोड़ा माजी का जिक्र किया को बहुत पुराना ये दौर नहीं है जिसका आप अभी फरमा रहे थे कि अगर आप गली के या इलाके के किसी बड़े को देखते थे तो आप फौरी तौर पे एहतराम के उस जोन में आ जाते थे आजकल सर ये है कि अगर कोई बच्चा स्मोक कर रहा है और गड्ढ कोई इलाके का बड़ा क्या अगर वालिद भी आ रहा है तो ठीक है मैं सिगरेट पीता हूँ मेरे वालिद को पता है और ये अहतराम ये क्यों ख़त्म हो गया है और फिर जो हम बर्दाश्त का जिक्र कर रहे हैं अदम बर्दाश्त हमारे रवैये जो हैं वो क्या जो साफ फरमा रहे हैं कि घरों में जो तरबियत के माइल हैं दरसगाहों में जो तरबियत के मरहल हैं इनमें कमी आ रही है ये अदम बर्दाश्त हमने लिया कहाँ से है क्या हमें अपने इन रवैयों को सोशल मीडिया के ऊपर जो चीजें मिलती हैं वहां से अडॉप्ट कर रहे हैं जो आजादी है राय जिसको हमने नेगेटिव यूज हाँ, किया है यहाँ से लिया ये क्या है मामला आ, देखे यही मैं चीज कह रहा हूं ना कि बच्चा जो है ना बच्चा जी वो आ, स्लेट की तरह साफ होता है अब तो लोगों को स्लेटों का भी नहीं पता आ, कि स्लेट होती क्या आप बता दे ताकि ये भी अच्छा हो जाए ये स्लेट क्या आजकल तो जो है ना वो राफी यूज के लिए कापियां रखी हुई हैं रजिस्टर रखे हुए हैं नोटबुक्स रखी हुई हैं तो उनके ऊपर पहले कहते स्लेट होती थी लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था बच्चे जाते थे स्कूल के अंदर बैठते थे टाट अपने घर से ले जाते या बिछोने के लिए कुछ अब लोगों को टाटों का भी नहीं पता होगा टाट के है आप तो वो बेंच पे बैठ बेंच पर कुर्सी पे बैठते हैं तो हमने देखा है कि ज़मीन के ऊपर बैठ के और किसी के पास होता था कोई बोरी ले गया नीचे बिछा लिया फिर ये आया कि लोगों ने टाट दे दिया तो एक ही टाट होता था उस पर सारे तो स्लेट होती थी स्लेटी साथ होती थी एक छोटी सी उसके जरिए से स्लेट पे लिखा करते थे जी और फिर बाद में उसको साफ़ कर देते थे उसी से काम चल, चलता था फिर इसी तरह तख्ती होती थी बकायदा हाथ के साथ लिखना और उसके ज़रिए से जो कलम होता था ना सरकंडे का जी उसको बकायदा तराशा जाता था और उसके जरिए से खुशखती पैदा होती थी अब तो सारा कुछ आ गया ना लिखा लिखाया जी अब देखे ना मसलन ये है जी ये किसी के हाथ का लिखा हुआ है लेकिन निकला प्रिंट है अब तो ये आ गया है लेकिन किसी ने तो लिखा है ना इसको तो उसी ने लिखा है जिसकी लिखाई बेहतरीन थी किताबत एक वसफ़ था आजकल तो बस निकल गया ना जिनों से अब तो लिखना जो है डिजिटल दौर है अब तो बिल्कुल नहीं अब तो हम अखबार में भी जाते हैं ना तो अखबार वाले भी कहेंगे मालकान भी कहते हैं कि जी कंपोज करके दे दो जी पहले होता ये था कि हम बकायदा लिखते थे मैंने देखा ना ये चंडियाँ पड़ी हुई हैं लिख लिख के ही है ना अब जरूरत ही नहीं है अब कंपोज करके दे दो कंपोज करके कर दे दो ठीक है तो स्लेट जो होती थी ना खाली जी खाली स्लेट इसी तरह बच्चे का जहन जो है ब्लैक तो खाली है स्लेट बिल्कुल ब्लैक है जी। उस बच्चे के ब्लैक जहन पर आप जो कुछ नक्श करेंगे वही नक्श होगा पहले माँ नक्श करती है बाप नक्श करता है घर का माहौल नक्श करता है अब एक छोटी सी मामूली सी बात है जी मसलन बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया बैल दी जी अंदर से वालद कह रहा है बच्चे को कह दो अब्बा घर नहीं है वो तो बच्चा वैसे ही कहता है अब्बा कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ नहीं बच्चा अब खुद ही जाके जागे बच्चों के है। एक बार तो कह देगा ना बच्चा कि अब्बा कह रहे हैं तो अब्बा फिर मारेगा डांटेगा ओहे अंज नहीं कही रहा यानी झूठ की पुख्तगी जो है हम खुद उनको अपना सिखाते हैं कि झूठ बोलना हालांकि झूठ इतनी बुरी चीज है कि मक्के के काफिर और मुशरिक जिनको जो है ना हम सबसे बुरा समझते हैं वो भी झूठ को पसंद नहीं करते थे जो मुश्किन थे, तो थे वो भी झूठ काफिर वो भी झूठ को पसंद नहीं करते थे और अल्लाह के नबी ने तो बिल्कुल नहीं ना पसंद किया और कुरने पाक में अल्लाह ने लानत डाली है झूठ बोलने लेकिन हम बच्चे को तरबियत ही ये देते हैं घर से अब जब हम तरबियत ये देंगे कि कह दो कि अब्बा घर नहीं है या टेलीफोन आ गया तो माँ की तरफ से कहते हैं कह दो के फलां है ये है वो है जूस खाते हैं तो क्या वो वालदेन के साथ झूठ नहीं बोलेंगे अगेन वो तरबियत अच्छा इसी तरह बच्चा जो देखता है माँ बाप के अंदर कोशिश करता है उसकी नकाली करें अगर बाप सिगरेट उसके सामने पिएगा तो वो भी पिएगा अगर माँ उसके सामने कोई अपना ऐसा वैसा अमल करती है बात चीज़ें होती हैं ये शरण जो है उनमें कोई को नहीं होती लेकिन तरबियता और तौर पर उनको बुरा समझा जाता है वो चीज़ें अगर बच्चों के बच्चे उसी तरह करेंगे ठीक है उसके बाद फिर आ जाता है टीवी घर के अंदर हम माँ मा, बाप क्या करते हैं अपनी मसरूफियात में जेन लगाने के लिए बच्चे को टीवी लगा के दे देंगे या मोबाइल पकड़ा दिया टैब पकड़ा दिया समझ उसके ऊपर आगाज़ तो होगा कार्टूनों से और कार्टून जो इस वक्त आ रहे हैं उनके अंदर क्या लड़ाइया हैं यानी उनके अंदर अगर बिल्ली और कुत्ते के कार्टून है तो उनके अंदर भी लड़ाइयां सर इवन के गेम्स देख लें वो अदम बर्दाश्त की गेम्स हैं खून खराब है मैं वही अर्ज कर रहा हूँ बात कर रहा ये जेनों पे रहा है हाँ जी कार्टूनों के जरिए से वो देखते हैं कि फलां फला के साथ रुलझ रहा है फलां फला के साथ लड़ रहा है फलां फला के साथ अपना बार कुताई कर रहा है फिर उसके बाद ये पबजी किया है बच्चों को हम दे देते हैं ना कि खेलें और पाप जी पाप जी क्या है सवाई लड़ाई की कुछ है उसमें खून रेजी है सर उसमें बहुत दूसरों को जो हम दे रहे हैं बच्चे की जेन साजी कर रहे हैं वो हम खुद कर रहे हैं हम खुद जहर बार रहे हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि जब बड़ा हो जाता है ना तो वालदेन को नज़रअंदाज़ कर देता है और वालदे को जा छोड़ आता है ओल्ड होम के अंदर तो फिर हम रोते हैं फिर अपना जो है ना कहते हैं जी देखो जी बच्चे पाले ले जी बच्चे आँजोगे जी भाई आपने खुद उनकी जो तरबियत की है जो हमने पाले ही बच बच्चे इसी तरह से हमने पाले हैं उनकी तरबियत ये की है तो उन्हें ये करना है इसका मतलब बर्दाश्त कहाँ होगा जब हमने उनको सिखाया ये है कि किसी को पसंद ही नहीं करना अगर कोई आदमी थोड़ा सा लफ्ज को बोलेगा आपने गालियाँ देनी है जबकि इस्लाम ये तलकिन करता अब देखिए सबसे ज्यादा तालीम जो दी गई है वह तोहद की दी गई है मुशर को जो है यानी शिरक को सबसे नापसंदीदा अमल करार दिया गया सबसे नापसंदीदा यानी चीज जो है वो शिरक है जो मबूदा ने बातला है उनको नापसंद किया गया लेकिन इसके बावजूद कुरान पाक तालीम ये देता है कि जो मबूदा ने बातला है उनको भी गाली नहीं देनी कि कहीं ऐसा ना हो कि जवाब में वो बेअलमी की वजह से तुम्हारे अल्लाह को गाली देना शुरू कर दे तसबुल्ला है अदवन बगैर यानी ये बाकायदा तरबियत है इस्लाम के अंदर अच्छा सर जैसे हम दीन की बात कर रहे हैं दीन इस्लाम की बात कर रहे हैं तो तालीमात हमें बेशुमार मिलती हैं जिन पर हम यकिन अमल नहीं करते आप ये देखिए कि जब हम बर्दाश्त का जिक्र करते हैं अदम बर्दाश्त का जिक्र करते हैं एक तरफ हमें हमारा दीन ये सिखाता है ये तरबियत मिलती है जिससे हमारी दूरी है जिस जिसपे हम इम्प्लीमेंट नहीं करते अगर कहीं पढ़ भी लेते हैं हम अपने आप को बहादुर तब समझते हैं कि हम किसी को पलट के वार करें या पलट के जवाब दें या उससे दो गुना ज्यादा बड़ी बात करें जबकि आपको वो हदीस आपके जहन में होगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहादुर वो नहीं है जो किसी को पिछाड़ दे किसी की कोई नागवार बात हो तो उस पर उसको हरा दे बल्कि बहादुर वो है कि जो नागवार बात हो जो बुरी बात हो उससे वो दरगुजर करे उससे वो... तो सर एक तरफ हमारी तालीम ये है दूसरी तरफ हम ये करते हैं अगेन दीन से दूरी है ये हम रवैये क्यों अपना रहे हैं क्या हम ऐसे ही तालीम हासिल कर रहे हैं ऐसे ही हमारा सोशल सिस्टम चल रहा है ऐसे हमारा दफ्तरी निज़ाम चल रहा है आखिर फ्लॉ है कहाँ पर सर देखिए मैं फिर वही अपनाऊँगा कि देखना ये है कि बिगाड़ कहाँ से पैदा हुआ है जी बिगाड़ का दरवाज़ा बंद कर दें वो सुराख बंद कर दें जहाँ से जो है ना जहरीली गैस निकलती है जब तक आप बगाड़ की असल वजह तलाश नहीं करेंगे और उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे आप कुछ भी नहीं होना करेंगे आप जहाँ से निकलते हैं नुकसान पहुँचाने वाले जो हरात है लर्फ हैं वहाँ की बजाय आप आगे जाकर जिस तरह हमारे यहाँ ये होता है कि ट्रैफिक जिन्होंने संभालनी होती है जिन्होंने सलाह करनी होती है जहाँ पर गलती शुरू होती है ना वन वे तोड़ा जाता है वहाँ नहीं खड़े होंगे वो वहाँ खड़े होंगे जहाँ उन्होंने जुर्माना करना है पकड़ने जा पकड़ने जा तो असल में मामला ये है कि देखना है कि बगाड़ कहाँ पर है दूसरी चीज़ ये है कि बात फिर वहीं आ जाती है कि हमने अपनी असलाह की तरफ तोजह नहीं दे हम समझते हैं कि हमारी बात हमारी आवाज़ ऊँची रहेगी ना तो हम शायद बहादुर समझे जाएंगे हम किसी आदमी की बात जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है मजहबी दुनिया के अंदर भी है ये सिर्फ सियासी दुनिया के अंदर नहीं मजहबी दुनिया के अंदर भी है स्कूलों के अंदर भी है कॉलेजों के अंदर किसी ने बात की गलती पे होने के बावजूद वो अकड़ जाएगा ये जहन बनाना पड़ेगा कि अगर गलती है तो उस पर माजरत करो सॉरी का लफज जो है को, को बोलते हैं आजकल सॉरी कोई नहीं बोलेगा इस्लाम ने तो यहाँ तक ये यह कहा है कि किसी का मजाक भी ना उड़ाओ ये जो मैं शराह हुजरात की बात कर रहा जी उसमें यही है या यूह लजीना आमन ला यास खर कौमिन कौमिन असा खैर हूं कि कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए अब कौम का लफज है हालांकि फ़र्द का होना चाहिए था फर्द को फर्द। कौम का इसलिए है यहाँ जितनी पार्टियाँ हैं ना वही कौम में आ जाएंगी कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी का मजाक ना उड़ाए तो ना करे कि मुमकन है कि वो उस पार्टी से बेहतर हो इसी तरह औरतें औरतों का मजाक ना उड़ाएँ मुमकन है कि औरतें जो हैं जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो उनसे बेहतर हों जो मजाक उड़ा रही हैं अच्छा उसके बाद फरमाया वला तल में जो अन फकूँ अपने नफ्सों को गाली नहीं देनी ताना नहीं देना अब कौन है जो अपने नफ्स को असल में यहाँ एक बड़ी लतीफ़ाना पाए में बात की गई है कि माशरे के जो लोग हैं ना वो आपके वजूद का हिस्सा है किसी एक फ़र्द को भी अगर आप ताना देते हैं गाली देते हैं इशारे के ज़रिए से उसको बुरा कहते हैं तो गोया आप अपने आप को कह रहे और दूसरी इसमें हमत ये है कि आप किसी को करेंगे वो आपको करेगा रसूल पाक ने फरमाया कि बुरे वो लोग हैं जो अपने माँ बाप को गाली देते हैं साबिक राम है क्या कौन है अपने माँ बाप को जो गाली देता है फरमाया अगर कोई किसी के माँ बाप को गाली देगा और जवाब में वो इसके माँ बाप को तो ये है जिसने खुद अपने माँ बाप को गाली दी है एक अम्मा ने दूसरी अम्मा के कद के हवाले से कद छोटा था तो ठिकनी कह दिया कद की मुनासब से रसूल पाक अलैहि वसल्लम इस पर नाराज़ हुए और कहा कि तुमने एक ऐसा फकररा बोला है एक ऐसा लफ्ज़ बोला है एक ऐसा कलमा बोला है कि अगर वो कलमा समुंदर में डाल दिया जाए तो समुंदर भी उसकी कड़वाहट को बर्दाश्त न कर सके। अल्लाह अकबर हालांकि समुद्र का पानी कड़वा होता है जी एक लफज बोला था वो बिल्कुल सही था कद के मुनासब से यानी वैसा ही कद था लेकिन चूंकि अगर वो बोला जाता आम तौर पर तो वो तमस् या तजहिक का बास बन सकता था अल्लाह के नबी ने एक कलमे के बारे में यह कहा इसी तरह एक रवायत में है सुरय हजरात की तफसीर के अंदर है जुमला मुफसर ने लिखा कि इशारा किया किसी के बारे में मुंह से भी कुछ नहीं कहा और ये इशारा मजम आम में नहीं किया तन्हाई में किया तो यहाँ भी अल्लाह के नबी वम ने अपना जो है नापसंदीदगी का इजहार फरमाया दो बड़े अजीम साहबी थे उनके साथ ड्यूटी लग गई एक और साहबी की हजरत सलमान फारसी की जी ड्यूटी ये लगी थी कि खाने का इंतज़ाम इन्होंने करना है एक दिन हजरत सलमान जो है वो सोए रहे नींद का गलबा हो गया अब खाने का वक्त गुजर गया तो आपस में दोनों कहने लगे यार सलमान सौंदा बड़ा है ये तो सौंद की वजह ना ना खाना जो ना रह गया जब हजरत सलमान उठे हैं तो उन भेजा रसुल के पास कि जाओ कुछ खाने के लिए ले आओ उस अल्लाह के नबी के पास जब सलमान आए तो कहने लगे उनको खाने की क्या जरूरत है वो खा चुके हैं हजरत सलमान ने जाकर वही कहा तो वो कहने वो आए भाग अल्ला के अल्लाह अल्लाह के नबी हमने तो कुछ नहीं खाया आपने फरमाया तुमने ये कहा था ना कि सलमान सौंदा है कहने लगे जी हाँ कहा कहले ये अपने भाई का गोश्त खाने के मुतरफ़ है अल्लाह अकबर सर इसी नोट के ऊपर मैं आपसे यहाँ से, से थैंक यू भी करना चाहूँगा बिकॉज़ वक्त के हम कैदी रहते हैं और आपकी सोबत में जो चीज़ें हम सीखते हैं तो वक्त का पता नहीं चला कि कैसे सेगमेंट गुजर गया आपके आने का बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच तो जनाब जिस हमने अदम बर्दाश्त के हवाले से बात की है तो बात वहीं पर आकर रुकती है कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है जो ना किया जा सके बस थोड़ी सी पेशेंस है थोड़ी सी बर्दाश्त है और बर्दाश्त कैसे पैदा हो सकती है आप अपने अंदर ये बात सोचें कि अगर आप किसी की नागवार बात को थोड़ी देर के लिए इस तरह से इग्नोर करें कि वो आपकी बात जो आप नागवार करते हैं उस तरह से इग्नोर करता है तो मामला ठीक होने शुरू हो जाएंगे हमारा दीन हमें ये सबक देता है इसके अलावा हम अपने सोशल सर्कल को देखें अपने माशरती निज़ाम को देखें अपनी रवायात को देखें तो एक दूसरे की इज्जत तकरीम हया शर्म ये सारी चीज़ें हमें मिली है वर्से में और हमें ये करनी चाहिए अगर कोई आपकी गाड़ी से आगे निकल गया है तो उसे निकल जाने दे हो सकता है उसको जल्दी हो और अगर कोई आपको हॉर्न पे हॉर्न दे रहा है तो आप थोड़ी जगह दे दें वो गुजर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको स्पेस देने में और स्पेस देना कोई बुरी बात भी नहीं है कुछ लोग समझते हैं कि स्पेस शायद वो है कि एक दूसरे से डिस्टेंस पर आ जाए असल में स्पेस ये नहीं स्पेस ये है कि आप एक दूसरे की बात को सुनें किसी की ऐसी बात जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में आती है उसका भी एहतराम करें अगर वो समझ आए तो वलन गुड ना समझे तो उससे दरगुजर करें तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की हैं इसीलिए अदम बर्दाश्त के रवैये ठीक हो सकेंगे जाते जाते ब्रेक से पहले एक शेर आपके गोश गुजार करूँ हजरत इकबाल फरमाते हैं तुम हो आपस में ग़जब नाक वो आपस में रहीम तुम हो आपस में गज़ब नाक वह आपस में रहीम तुम खता खताबी वो ख़ता पोशो करीम चाहते हैं सब के हो ओजे सरैया पे मुकीम चाहते हैं सब कि हो ओजे सुरैया पे मुकीम पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल सलीम मिलते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए